हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्तियाज कॉर्नर। आप सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ घर में लगाए जाने वाले शुभ पौधों के बारे में, जो कि हम घर में जिन्हें लगाकर अपने घर के वातावरण को, घर के एटमॉस्फेयर को बहुत सकारात्मक बना सकते हैं और जो हमारे लिए बहुत शुभ रहते हैं। और वैसे तो शुभ पौधे बहुत सारे होते हैं, जैसे आंवला है, पीपल है, बरगद है, आम का पेड़ है। तो ये सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जिन्हें कि हम अपने घरों में अमूमन नहीं लगाते हैं। ये ज़्यादातर जंगलों में या फिर बाहर खुली जगहों पर पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अपने घर में हम गमलों में या ज़मीन में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें कि हम लगा सकते हैं और जिन्हें आसानी से उगा सकते हैं और जो हमारे घर के लिए शुभ भी होते हैं, जिनसे कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो इसी तरह के पौधों के बारे में बात करेंगे। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है तुलसी का, जिसे कि इंग्लिश में बेसिल कहते हैं, और इसका दूसरा एक नाम है वृंदा, जो कि भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रिय था ये पौधा, और इसी वजह से मथुरा के पास में एक जगह का नाम भी पड़ा है वृंदावन, जहाँ पर कि तुलसी के बहुत सारे पौधे पाए जाते थे, इसीलिए उस जगह का नाम वृंदावन पड़ गया। तो इस तुलसी के पौधे की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। श्यामा तुलसी है, साधारण तुलसी है और भी कई प्रजातियाँ होती हैं। और इस पौधे को हम बिल्कुल साधारण सी मिट्टी में भी उगा सकते हैं, इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इसे बीजों से उगाया जा सकता है। इसकी जो मंजरी होती है उसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं, वो चारों ओर फैल जाते हैं, उससे बहुत सारे पौधे उगाते हैं। और इसे अच्छी सनलाइट मिलनी चाहिए और इस पौधे को ठंड से बचाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दियों में जो है पौधे पर ओस गिरती है, उससे उसे पाला मारने का डर रहता है। तो इसलिए उस तुलसी के पौधे को या तो किसी शेडी एरिया में रख लें या फिर उसके ऊपर कोई मोटा कपड़ा या फिर कोई ग्रीन शेड वगैरह डाल लें, जिससे कि वो ठंड से बचा रहे। तो ये पौधा बहुत ज़्यादा शुभ होता है और ये ओजोन परत को भी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। वातावरण की शुद्धि होती है इससे, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ भी होते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ और जो बीज वगैरह हैं उनका दवाओं में और बहुत तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ पौधा होता है। तो अगला पौधा जो है वो है हमारा केला। तो जो केले का पौधा है इसे भी हम अपने घर में लगा सकते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं बनाना। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का इस पौधे में वास रहता है और बृहस्पतिवार के दिन सब लोग हम लोग पूजा भी करते हैं इस पौधे की। तो ये पौधा जो है ये भी किसी तरह की मिट्टी में लग जाता है, वैसे अगर इसकी रेतीली मिट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको हम कंद से लगाते हैं और कहा जाता है कि केला और तुलसी के पौधे को पास पास लगाए तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और इस पौधे का हवन पूजा वगैरह में भी बहुत प्रयोग किया जाता है, कथा वगैरह के समय पर भी केले का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो केले का पौधा जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, इससे वातावरण भी शुद्ध रहता है और केले का फल खाने में इस्तेमाल किया जाता है, फूल इसके होते हैं उनकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। तो इस तरह से ये पौधा भी बहुत ज़्यादा शुभ पौधा होता है। और अगला पौधा है पान का पौधा, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जब भी घर में पूजा होती है तो पान के पत्ते का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये एक इंडोर प्लांट है, इसे छाया में लगाया जाता है और एक ये लता होती है यानी एक बेल होती है, और इससे घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा शुद्ध रहता है। और इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है, इसके छोटे से एक पीस को लेकर किसी भी तरह की मिट्टी में अगर हम लगा दें तो बहुत आसानी से ये उग जाता है और थोड़े से सहारे से ही आगे बढ़ता रहता है। इसको किसी मॉस स्टिक पर लपेट दिया जाए या फिर किसी पिलर पर इसको चढ़ा दिया जाए या दीवार पर चढ़ा दिया जाए तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है ये। और मिट्टी में अगर थोड़ी सी कंपोस्ट भी मिला दी जाए तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से ये बेल बढ़ती है। तो इस तरह से ये पौधा भी बहुत ज़्यादा शुभ पौधा होता है। तो शुभ पौधों की लिस्ट में अगला जो प्लांट है वो है हल्दी का प्लांट। हल्दी का प्लांट भी घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है और इसको कच्ची हल्दी जो होती है उसकी गांठ लगाई जाती है और इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी आते हैं। इसको रेतीली मिट्टी में लगाना बहुत अच्छा रहता है और इससे हवा शुद्ध होती है, हवा के जितने भी जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ भी होते हैं और कई बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है।
और हल्दी तो हम लोगों की घरों में आम वैसे भी बहुत इस्तेमाल में लाई जाती है और पूजा पाठ में भी हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हल्दी की गांठ उसमें रखी जाती है, हल्दी से पूजन वगैरह किया जाता है। तो हल्दी जो है, हल्दी का पौधा जो है वो हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगला पौधा है शमी का पौधा। तो शमी का पौधा जो है ये शनि की शांति के लिए इस पौधे को लगाया जाता है ज़्यादातर, और इसमें फूल भी आते हैं येलो कलर के और कुछ पर्पल से, पिंक से, इस तरह के फूल इसमें आते हैं छोटे छोटे से, और इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। ये एक झाड़ीदार पौधा होता है और उसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, और जो फूल उगते हैं उनके बाद उसमें फिर छोटे छोटे से बीज भी आते हैं। तो ये पौधा जो है ऐसा है, बिल्कुल इसे किसी भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कैसी भी मिट्टी में लग जाता है और इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता है। तो इस प्लांट को भी जो है घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगला प्लांट जो है वो है हरसिंगार का पौधा। हरसिंगार का पौधा जो है भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय माना गया है, और इसके जो जो खुशबू होती है इसके फूलों की, वो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ तक फैलती है वहाँ तक समृद्धि आ जाती है। और इसके जो बीज हैं वो गोल और चपटे से हरे रंग के बीज होते हैं, और ये प्लांट भी हर तरह की मिट्टी में बीज से बहुत जल्दी उग जाता है, और इसके बीज जहाँ जहाँ फैल जाते हैं वहाँ वहाँ पौधे उगाती है। और इसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वैसे भी जितने भी फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं उनको धूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो धूप में इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं जो कि रात भर खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं, इस तरह के इसके फूल होते हैं। इसको पारिजात भी कहा जाता है, और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों की चाय जो है वो कफनाशक होती है, और इसका जो ये जो पौधा है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगला पौधा है विष्णुकांता या अपराजिता या फिर शंखपुष्पी। तो जो अपराजिता का जो पौधा है, इस ये भी कई किस्मों में आता है, और इस पर बहुत सुंदर सुंदर से फूल आते हैं, और ये हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है। इसका नाम ही जैसा है, अपराजिता यानी ना कभी हारने वाला। तो ये जो इसकी जो बेल है, इसको एक बार लगा लो तो वो बीजों से मल्टीप्लाई होती रहती है। इसमें फली आती हैं छोटी छोटी पतली पतली, मटर की तरह की फली आती हैं, तो उनके जो बीज गिर जाते हैं उनसे ये बहुत आसानी से उग जाता है। तो इसके जो फूल हैं वो कई कलर के होते हैं, बैंगनी, नीला, सफ़ेद, तो ये बहुत कलर के फूलों वाला होता है, और ये कटिंग से भी लगता है, और इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा लेते हैं और इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए। तो इस तरह से जो अपराजिता का पौधा है ये भी बहुत अच्छा शुभ पौधा होता है। और अगला जो प्लांट है वो है गुड़हल का पौधा, जिसे हिबिस्कस कहते हैं, और हिबिस्कस की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, और ये कई रंग में आता है, और कहा जाता है कि ये दुर्गा जी को और काली माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत ज़्यादा उनका प्रिय फूल है इसका। दुर्गा जी की पूजा में जब नवदुर्गे आते हैं तो इसके फूल की बहुत मांग बढ़ जाती है, एक तरह से हर कोई इसके फूल को दुर्गा देवी के ऊपर चढ़ाता है। और ये पौधा भी कटिंग से उग जाता है आसानी से, और किसी भी तरह की मिट्टी में ये लग जाता है। इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, और बस ये है कि उस मिट्टी में थोड़ी सी कंपोस्ट अगर मिला लें तो और भी अच्छा रहता है। और इसका जो पौधा है वो थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाता है, और कई रंग के इसके फूल होते हैं, येलो है, पिंक है, पर्पल है, और रेड तो है ही, और सिंगल पेटल में और डबल पेटल में बहुत तरह के फूलों में ये आता है, और घर के लिए भी ये बहुत शुभ पौधा रहता है। और अगला पौधा है हमारा बेलपत्र। तो बेलपत्र जो है, वैसे तो ये भी एक बहुत ऊंचा पौधा, पेड़ होता है, विशाल वृक्ष होता है ये भी, लेकिन इसे हम गमले में लगा सकते हैं। जब तक ये छोटा रहता है तब तक हम इसे गमले में लगा सकते हैं, और जब अगर ये बड़ा हो जाता है तो हम इसे कहीं फिर बड़ी जगह पर भी लगा सकते हैं, वहाँ से उखाड़कर। और ये जो है बहुत शुभ पौधा है, और कहा जाता है कि भगवान शिव को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है, और माना जाता है कि इसके पत्ते कभी भी झूठे नहीं होते हैं। इन्हें धोकर आप दोबारा से शिव जी की पूजा में उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं,
और ये प्लांट जो है किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाता है और बहुत आसानी से लग जाता है, और इसके आयुर्वेदिक फ़ायदे भी बहुत सारे होते हैं, और इसका हर भाग बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। इसके जो पत्ते हैं वो बेलपत्र के रूप में भगवान के ऊपर चढ़ाने में काम आते हैं, और इसका जो फल है बेल का वो बहुत ही उपयोगी होता है। उसके जो बेल का रस होता है उसका शरबत वगैरह बनाया जाता है और जैम वगैरह भी बनाया जाता है, तो बहुत सारे उसके फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे उपयोग में आता है। और अगला पौधा है मनी प्लांट, इसको भी बहुत शुभ पौधा माना जाता है, और ये अमूमन हर घर में पाया जाता है, हर कोई इसकी कटिंग को लेकर इसको आसानी से ग्रो कर लेता है, और ये बहुत ही ग्रीनरी वाला प्लांट होता है, और इसको मिट्टी में तो उगाया ही जा सकता है, साथ में पानी में भी इसको हम लगा लेते हैं और बहुत आसानी से लग जाता है। इसे बॉटल में, हैंगिंग प्लांटर में और छोटे से प्लांटर में भी इसको लगा लेते हैं तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है, और कटिंग से तो लगाया ही जाता है, और ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह से लगाया जाता है। और इसको अगर कंपोस्ट में लगा दिया जाए तो बहुत तेज़ी से ये फैलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इसका नाम भी मनी प्लांट है तो इसे हर कोई अपने घर में लगाता है और बहुत शुभ पौधा माना जाता है ये भी। तो ये कुछ ऐसे शुभ पौधे थे जिन्हें हम अपने घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और जो कि हमारे घर के वातावरण को बहुत शुद्ध कर देते हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना देते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा कर देते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने सजेशंस जो भी हों वो मेरे इस कमेंट सेक्शन में देना, और मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना। तो थैंक यू सो मच।